मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे और उसके ताल्लुकात की क्या नौयत है। बहुत नाराज है वो मुझसे। भाई ने अली की बहुत इंसल्ट की है और वो शायद उनसे इंतकाम लेना चाहता है। मुझसे भी तो बात नहीं कर रहा। और अली, उसके बारे में क्या खबर है? सर, मेरा ख्याल है शौकिया पी लेता है। इसका कोई ग्रुप नहीं। हाँ, एक पुराना ब्रोकर है मजहर, जो यूसुफ के लिए कभी काम करता था। अली का बहुत अच्छा दोस्त है और रात गए तक ये इनके घर पे होते हैं। और हाँ सर, मजहर ने दोबारा यूसुफ की कंपनी ज्वाइन कर ली है। ये शख्स मजहर, मुझे इसके बारे में मजीद मालूमात चाहिए। श्योर सर, आप बेफिक्र रहिए। तुम्हारी दरक्षा और क्लिफ्टन थाने में वाकिफ है? सर बहुत अच्छी, आप बेफिक्र रहिए। अभी आने वाले चंद दिनों में मैं बहुत सारी डेडलाइंस मीट करनी है। तुम्हारी बीवी की तबीयत फिर खराब हो गई, तब भी छुट्टी नहीं मिली। सर आप बेफिक्र हैं, आपको शिकायत नहीं मिलेगी, मैं समझ गया। अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, मेरा बच्चा। तुम कब आए बेटा, तुम ठीक तो हो ना? बस अम्मी, मैंने आपको कहा था ना मैं उड़ के आपके पास आ जाऊंगा। ओ मेरा बच्चा, मैं सदके जाऊं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बेटा। तबीयत कैसी है? अरे बेटा, इस बुढ़ापे में क्या तबीयत रहेगी। बस रात ही को हॉस्पिटल से वापस आई हूँ। क्या, हॉस्पिटल से? क्यों, खैरियत तो थी? बस बेटा थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? भाभी कम से कम आप ही मुझे बता देते। हम माना कि मैं दूर हूँ, लेकिन इस तरह की बात के बारे में तो इतला करना। भैया कहाँ पर? बेटा तुम रुक जाओ, खेलो जाकर। भाई अली, हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम बिला वजह परेशान होते। ठीक है बच्चा, मैं ठीक हूँ मेरा बच्चा, बिल्कुल ठीक। अरे अम्मी की तबीयत अचानक खराब हुई तो हम हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ इनके कुछ टेस्ट हुए थे, माशाल्लाह से डॉक्टर ने कहा कोई सीरियस बात नहीं है, वो तो ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ दिन मजीद हॉस्पिटल में रखना चाहते थे। मगर अम्मी ना सुनती कहाँ है किसी की। अरे बेटा, हॉस्पिटल में तो अच्छा भला आदमी भी जाए ना तो बीमार हो जाता है। मुझे तो वहशत होती है हॉस्पिटल से। मैंने तो कहा चलो घर चले, इस बुढ़ापे में तो ऐसे होता रहता है ना। तुमने भी तो आने की तिलानी थी मुझे। अरे छोड़े अम्मी, इतना बड़ा अफसर लग गया है, अपने पीए से ही कह देता, वही बता देता हमें। सॉरी, मैं कुछ लेट हो गया। मिस्टर मजहर, अगर अली ऑफिस में नहीं है तो आपको ये क्यों लगता कि आपके करने के लिए भी कोई काम नहीं है? जी बताइए क्या काम है। बहुत जरूरी और अर्जेंट है, आप तशरीफ रखें। ये देखिए तस्वीरें हैं कुछ, गौर से देखिएगा। कौन लोग हैं ये? ये लड़का सलीम चिश्ती का बेटा है और ये खानदान के बाकी लोग।
आजम नाम है इसका, किताबें पढ़ता है, म्यूजिक सुनता है और गिटार बजाता है। तो मुझे क्या करना है? मज़र मरवा दो इन सबको। जी मज़र, इस लड़के के थ्रू हमें सलीम चिश्ती तक पहुंचना है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, इन लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या चाहते हैं। हमें सलीम चिश्ती को मुट्ठी में करना है, अंडरस्टैंड? और ये आपका नहीं, अली का असाइनमेंट है, आपको इसमें उसकी हेल्प करनी है। और एक चीज़ का ध्यान है, हम लोगों के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। लेकिन लेकिन ये तो इस्लामाबाद में है। ये तो बड़े जुल्म वाली बात हो गई मज़र, ये लोग अगर लंदन में भी होते तो वहाँ भी तुमको जाना था। मैं अली से भी बात कर लूँगी और मैंने फाइनेंस वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया। तुम लोगों को जहाँ जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मिल जाएगी, तुम्हें सिर्फ एक नोट लिख के देना और हिसाब किताब नोट कर लेना। काफ़ी मुश्किल काम है। समझो तो बहुत इंटरेस्टिंग भी। एक्चुअली ये तुम्हारा और अली का इम्तहान है कि तुम लोग इस लड़के से कैसे दोस्ती करते हो और कैसे इसको अपनी मुट्ठी में करते हो। और हाँ एक बात और, उन लोगों को किसी तरह भी किसी लालच या रिश्वत का शक नहीं होना चाहिए। बहुत ईमानदार और बासूल खानदान है। ओके, क्या अभी भी ऐसे लोग हुकूमत में हैं? मिस्टर मज़र, इसीलिए तो ये मुल्क अभी तक कायम है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये मुल्क कायम ना रहे? व्हाट नॉनसेंस, अल्लाह ना करे ऐसी बात। हम लोग तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें अपने मुल्क की खिदमत का मौका मिलता रहे और लोगों के घर आबाद रहे। इंतहाई नेक मकासद हैं आपके। सवाब तो आप लोगों को भी मिलेगा अगर आप ये काम कामयाबी से कर लेंगे। इस फाइल की कॉपी मैं तुम्हें दे दूँगी और एक बार फिर बता रही हूँ मज़र, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ओके, तुम इसको अच्छी तरह से देखो। अली बेटा, तुम मुझसे दूर हो गए हो, ये बात नहीं कि तुम कराची में हैं, मैं लाहौर में, मगर अब मैं तुम्हारी राजदान नहीं रही। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। तुमने अभी तक बतूल के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। बतूल? हाँ, तुमने अपनी जिंदगी बदल ली, किताबों को छोड़ दिया, मगर ये बताओ उसने क्या कहा? जो कुछ मेरी जिंदगी में आज तक होता आ रहा है और हो रहा है, उसका ताल्लुक बतूल से ही है। और जो कुछ आजकल हो रहा है, उसकी वजह से मेरा ताल्लुक बतूल से टूट भी सकता है। बेटा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हें याद है तुमने एक बार मुझे फैज की नज़म दी थी, उसमें माँ कहती है कि मेरा बच्चा जब बोलना नहीं जानता था तो मैं उसकी ज़बान समझती थी, और जब वो बड़ा शायर बना तो मैं उसकी शायरी नहीं समझ सकती। लेकिन अम्मा, मैं शायर तो नहीं बना। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, मगर ये बताओ बतूल के साथ दोस्ती है या उससे भी लड़ाई कर बैठे? अभी तो मैं अपने आप से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ माँ, और शायद लड़ने की भी। फिर वही गोल मटोल बातें,
मेरी समझ में कुछ नहीं आता। अम्मी, आपका दिल नहीं चाहता आप मेरा अपार्टमेंट देखें, मेरी गाड़ी में नहीं बैठना चाहते? आप आए ना वापस तो तब आपसे ये सारी बातें करूंगा मैं। अरे मेरे बच्चा, इस उम्र में सफर नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं रही बेटा। आए दिन तो मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगाती हूँ। और बेटा मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, ये नन्हे नन्हे बच्चे मेरे सामने खेलते रहते हैं, बातें करते हैं, मुझे हंसाते हैं, खुद भी हंसते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं हो सकता बेटा कि तुम कराची छोड़ के लाहौर आ जाओ, यहाँ पर कोई सेठ नहीं है जो तुम्हें नौकरी दे दे। मेरे सेठ का अखाड़ा कराची में है अम्मा। और तुम उसके पहलवान हो। हेलो, अली साहब यहीं पर होते हैं? जी अली साहब तो लाहौर गए हैं। ओह आई सी, कैन आई हेल्प यू? बाय द वे, किस सिलसिले में मिलना चाह रही थी आप उनसे? जी कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। मेरा नाम मजहर है और मैं अली के साथ ही होता हूँ। दैट्स वेरी गुड। आपका नाम? अब मेरा मतलब है कि अली आए तो क्या कहूँ मैं उनसे? कुछ नहीं, मैं फिर दोबारा चक्कर लगाऊंगी और उसी वक्त बात कर लूँगी। कोई मैसेज? भाभी आप जाग रही हैं अभी? हाँ हाँ, आओ बैठो। अली भाई कब तक आ जाएंगे? अरे आना तो उन्हें आज ही था, मगर दो दिन का स्टे उनका मजीद एक्सटेंड हो गया है। और तुम्हारा आना भी तो इतना सरप्राइजिंग है, भला वो कैसे अपना प्रोग्राम चेंज करते? भाभी मुझे अम्मी की बहुत फिक्र रहती है। हमें भी, इसीलिए तो हमने उन्हें यहाँ बुलाया है, बल्कि हमें तो तुम्हारी भी बहुत फिक्र है। हसन चाहते हैं कि अब तुम हमारे साथ यहीं आकर रहो। भैया की तरह आपको भी मेरी यूनिवर्सिटी की जॉब नापसंद थी, आपको ये लगता था कि मैं अपने आप को ज़ाया कर रहा हूँ। वो और बात थी, मगर अब तुम्हारे भैया परेशान हैं कि तुम उस नए माहौल में कैसे एडजस्ट करोगे। मैं जानता हूँ मेरी नई जॉब की वजह से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन भाभी आप यूँ देखें ना कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मुझे एक और मौका मिला है अपनी ज़िंदगी को बदलने का। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। मगर अली, अम्मी का ख्याल है कि वो क्या नाम है उस लड़की का, बतूल, इस तरह से तो तुम बतूल को धोखा दे रहे हो, बल्कि तुम तो उन लोगों की तरह होते जा रहे हो जिनसे तुम्हें खुद नफरत थी। शायद हम उन्हीं लोगों जैसा बनना चाहते हैं जिनसे हम नफरत करते हैं। अच्छा एक बात सुनो। जी भाभी। कहीं तुम किसी क्रिमिनल एक्टिविटी का हिस्सा तो नहीं बनते जा रहे हो? आप फिक्र ना करें, मैं बहुत सोच समझ के चल रहा हूँ। तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा। चलो तुम बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। जी। बतूल कहाँ जा रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बात नहीं करनी?
क्यों, क्या हो गया? बड़ा भाई हूं मैं तुम्हारा। मालूम है मुझे। मालूम है तो फिर बिहेव क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हारे अमेरिका जाने के दिन इतने करीब आ गए, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या इंतजाम किए। तो अगर मैं नहीं जाना चाहूँ तो? क्या मतलब? तो क्या मैं तुम्हें जबरदस्ती अमेरिका भेज रहा हूँ? और ये अचानक तुम्हारा दिमाग कैसे पलट गया? तो क्या मैं अपना फैसला बदल नहीं सकती? कोई बात हुई है? तुम मिली हो उससे, उसकी उस घटिया हरकत के बाद भी तुम उसको या किसी और को बीच में मत लाएं। मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं अपने मसाइल पे गौर करना चाहती हूँ। गौर करने से कुछ नहीं होता, फैसला करना पड़ता है। देखो बुद्धू, ये एक सीरियस बात है और बहुत कुछ हो चुका है। वहां फंड्स ट्रांसफर हो गए, तुम्हारे लिए अपार्टमेंट बुक हो गया, और अगर फिर भी कोई मसला है तो तुम ठीक से मुझसे बात करो। भाईजान, आपसे बात करना बहुत मुश्किल है, आप सुनते ही कहाँ हैं? अगर तुम्हारा यही इंप्रेशन है तो आई एम सॉरी, मैं अब तुम्हारी हर बात सुनना चाहता हूँ। ठीक है, फिर कभी। फिर कभी नहीं, आज। तुम्हारा डिनर पे कोई प्रोग्राम है? मेरा है लेकिन मैं अब नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब वो जा रहे हैं? नहीं, हम कहीं बाहर चलेंगे। एंड वी लीव एट 9 o'clock। ठीक, ओके। यूसुफ साहब ने ब्रीफ कर दिया ना तुम्हें? हाँ, ये बात सॉरी यार, थोड़ी देर हो गई। कहाँ रह गए थे? बहुत देर हो। बस एक काम याद आ गया था। ये कार्ड फिर से आ गया? अब जनाब मैं बताता हूँ आपको, मुझसे पूछ लीजिए। एक लड़की आई थी, बहुत खूबसूरत थी यार। मेरे ख्याल में वही देखे गई है तुमको। जी नहीं सर, सुबह जब मैं आई थी तो काउंटर पे पहले से मौजूद था, मैं आपको बताना भूल गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो लड़की थी कौन? बिल्कुल नहीं थी यार, मैंने तो पहले कभी नहीं देखा उसको। वो नहीं थी यार। यानी कि ये मिस्ट्री हल नहीं हुई, ना ही खत भेजने वाले की और ना ही खत की। चलो देख लेते हैं कि क्या खुफिया पैगाम है इसमें। ना ना, इट मे बी पर्सनल। पिछला वाला भी तो तुम दोनों ने सुन ही लिया था, वो तितलियों वाला शेर, और उससे पहले वो फैज की नज़म भी तो आई थी। अली एक्चुअली मुझे ना उर्दू शायरी बिल्कुल समझ में नहीं आती है। शायद ये समझ आ जाए। मंजिल है कहाँ तेरी ए लाला ए सराई है, इसका क्या मतलब हुआ? मंजिल है कहाँ तेरी ए लाला ए सराई। लाला ए सराई। अस्सलाम वालेकुम। अरे आओ आओ अली, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ आओ, बैठो बैठो। शुक्रिया। और अली कैसे हो? ठीक हो? पता नहीं तुम इस बात से क्या मतलब लो, लेकिन असल में बात यह है अली कि मुझे तुम्हारे अंदर अपनी जवानी दिखाई देती है। जब मैं तुम्हारी तरह जवान था तो खैर हम तो खासे खुशहाल लोग थे, लेकिन ये ज़रूर था कि मेरे दिल में मुआशरे में फैली हुई करप्शन के खिलाफ एक नफरत थी, और मैं खैर तुम्हारी तरह मुझे
शायरी वारी का शौक तो नहीं था, लेकिन कुछ आइडियाज थे और मैं ईमानदारी से जीना चाहता था। That's very good. फिर क्या हुआ? मैंने ये देखा थी कि आगे बढ़ने के लिए, कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, अपने जमीर को मारना पड़ता है। और क्या आप अपनी कामयाबी से खुश हैं, मुतमईन? मैं खुश हूँ ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कामयाब हूँ। और जो जवानी में आपके ख्यालात थे उनका क्या हुआ? हाँ, कभी कभी तन्हाई में मैं सोचता हूँ कि हालात और वाकयात का मुकाबला करते करते इंसान कितना बदल जाता है। मैं वो नहीं हूँ जो जवानी में था। हालांकि मेरी नजर में इंसान बदलता नहीं है कभी, हमेशा ही वैसा रहता है, बस हालात से समझौता कर लेता है। ठीक है, लेकिन हालात से समझौता डर के किया जाए या हिम्मत और बहादुरी से, इससे तो फर्क पड़ता है ना। आहिस्ता आहिस्ता आदमी खुद ही बदल जाता है। खैर अली, बात यह क्या, आई रियली लाइक यू। मुझे एक बात बताओ कि तुम जिंदगी से चाहते क्या हो? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं एक कामयाब जिंदगी गुजारने की सलाहियत रखता हूँ या नहीं। आई वॉन्ट टू टेस्ट माई सेल्फ। गुड। और इस कामयाब जिंदगी का तुम्हारे जहन में क्या तसव्वुर है? ये बात मेरी समझ में नहीं आती भाईजान, कि आप मेरी जिंदगी पर असरअंदाज क्यों होना चाहते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। कमाल है, आप नहीं चाहते, फिर भी आपने मेरी जिंदगी उलट पुलट करके रख दी। मेरी एक राय है, बड़ा भाई हूं तुम्हारा, तुम्हारे भले का सोचता हूं। दुनिया देखी है मैंने, लोगों को समझता हूं मैं। अगर मुझे लगे कि मेरी बहन कोई गलत फैसला करने जा रही है, तो क्या मैं खामोश रहूंगा? खामोश रहना इतना मुश्किल था तो आप मुझसे बात करते। अली की इंसल्ट करने का आपको कोई हक नहीं है। मैंने अली के साथ कोई बुरा सलूक तो नहीं किया? जी नहीं। अब दरअसल जब मैं सोचती हूँ इस सारे मामले को, तो मुझे लगता है आपने मुझसे धोखा किया। आई थॉट आप मेरे हमदर्द हैं, आप अली की इज्जत करेंगे। यू हैड नो राइट टू इंसल्ट हिम भाईजान। देखो, मुझे नहीं पता कि अली ने तुम्हें क्या बताया, लेकिन जो कुछ मैं उसके बारे में समझा था वो सच ही निकला है। उसकी असलियत जाहिर हो गई है, क्या आप तुम उस पर एतबार कर सकती हो? प्लीज भाईजान, जो कुछ हुआ या हो रहा है वो बाद की बात है। देखो, हर इंसान का एक कैरेक्टर होता है जो क्राइसिस में पहचाना जाता है। अब तो हर चीज तुम्हारे सामने है। मेरे सामने है, इसी को तो समझने की कोशिश कर रही हूँ। अली, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे एक बुरा और मौका परस्त इंसान समझते हो, और आज मैं ये कन्फेस करना चाहता हूँ तुम्हारे सामने कि जिस वक्त मैंने तुम्हें नौकरी की पेशकश की थी, तो उसमें मेरी और शाहिद की दुश्मनी का बड़ा दखल था। लेकिन जब तुमने इस्तीफा देने की कोशिश की, तब मैंने सोचा कि शाहिद की दुश्मनी एक तरफ, इस बहाने मुझे एक बहुत ही पोटेंशियल से भरा हुआ आदमी मिल गया है। लेकिन मेरा पोटेंशियल आपके किस काम का? मेरे ही तो काम का है, वरना जाया हो जाता, खो जाते तुम कहीं। और अब जैसे मैंने अपने आप को पा लिया है, तुम्हारे अंदर ये कश्मकश, ये लड़ाई,
जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक कि तुम जब तक मैं सेठ यूसुफ ना बन जाऊं। तुम सेठ यूसुफ नहीं, शाहिद बनोगे। अब तुम ही बताओ बेटा, अमेरिका जाने के अलावा मुझे तो कोई और बेहतर रास्ता दिखाई नहीं देता। सारी बात ही आपके इस मंसूबे से शुरू हुई थी कि आप एक अरसे के लिए मुझे अली से अलग करना चाहते हैं। वो तो आपकी साजिश को बहुत अच्छी तरह समझता है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मेरी बहन, वो तुम्हारे लायक नहीं है, नहीं है, नहीं हो सकता है। और मैं आपको कैसे समझाऊं कि आपका मसला नहीं है, नहीं है, ना था, ना हो सकता है। मैं जानता हूं कि लड़कियों की आजादी नहीं, एन अडल्ट, और मुझे पूरा हक है अपनी जिंदगी के फैसले करने का। मैं किसी की गुलाम नहीं हूं। चलो तुम जैसा चाहो वैसा करो। एक दो रोज में मुझे बता दो कि तुम अमेरिका जाना चाहती हो या नहीं। इसके अलावा मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई और दिलचस्पी नहीं। अली, तुम्हें याद होगा कि हमारी पहली मुलाकात में मैंने तुमसे अपनी मां की याद में एक इदारा कायम करने की बात की थी। जब हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे तो उस वक्त तुम एक एजुकेशनल या कल्चरल इदारा बना सकते हो, एक ऐसा इदारा जिसकी पाकिस्तान में कोई मिसाल ना हो। क्या मैं ऐसा करने की सलाहियत रखता हूँ? सुन लो, अगर कोई जरूरी कॉल है तो। हाँ, तुम्हारी सलाहियत, मैंने तुम्हें जिस मिशन में डाला है ना, उससे तुम कुंदन बन के निकलोगे। अली, मिशन में डाला है या आग में? दरअसल ये एक इम्तहान है और ये तुम जैसे प्रोफेसर किस्म के लोग हैं, इम्तहान में कभी फेल नहीं हुआ करते। सॉरी। हेलो, या मेरे खुदा, कब हुआ ये, कैसे? अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं आता हूँ, जल्द पहुँचता हूँ। खैरियत, क्या हुआ? प्रोफेसर कादरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। और वो तुम्हारे? जी, मेरे उस्ताद थे। I'm sorry, Ali. Can I do something? सर, मुझे जाना होगा। हाँ हाँ, why not? चलो चलो। हाँ, अबू आप? हाँ बेटा, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। खैरियत? बिल्कुल, बस कुछ जरूरी बातें करनी थी तुमसे। वालेकुम अस्सलाम। हाउ वाज योर डिनर? डिनर वाज गुड, जैसा कि भाई के फेवरेट रेस्टोरेंट में होता है। यानी खाना अच्छा था। जी। और मुलाकात कैसी? नहीं बेटा, नहीं, या नहीं, मेरे कमरे में आराम से बैठ के बात करते हैं। ओके, ठीक है, फिर मैं चेंज करके आती हूँ। श्योर। मुझे तो अब तक यकीन भी नहीं आ रहा, इस तरह अचानक। कल अब्बा आपको याद कर रहे थे, दो बार जिक्र भी किया। अरे तो मुझे फोन ही कर लेते तुम, क्या फर्क पड़ता? मतलब? मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब्बा ने तो कभी अपनी परेशानियों का जिक्र ही नहीं किया। सब आते थे वाहवा करने और वो खुश हो जाते अपने शागिर्दों से मिलके। इतनी इज्जत थी उनकी सोसाइटी में और हम लोग यूं ही
तसल्ली रखो सर, प्रोफेसर साहब बहुत नेक इंसान थे और हम सबको भी उनकी मौत का उतना ही दुख है कि जितना कि तुम्हें, और तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। हम साथ हैं तुम्हारे। देखो बेटा, मैं तुम्हें फिर कहूंगा कि तुम्हारे लिए ये फैसले लो। कैसा फैसला अबू, अमेरिका जाने का या नहीं? बेटा सिर्फ अमेरिका जाने की बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी का फैसला करना है। कैसा फैसला अबू? क्या एक फैसले में पूरी जिंदगी के मसाइल हल हो जाएंगे? हाँ बेटा, एक फैसला ऐसा जरूर होता है जो इंसान की पूरी जिंदगी पर असर करता है। और तुम जाती हो, मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरे लिए कोई रिश्ता आया और आप चाह रहे हैं कि आपकी फरमाबरदार बेटी बगैर सोचे समझे हाँ बोल दे। हाँ कि तो बेटा, ये खानदान की इज्जत का सवाल है। तुम कितनी समझदार हो बतूल, एक रिश्ता आया बहुत अच्छा रिश्ता है। क्या बातें कर रहे हैं आप, रिश्ता है, लड़का बरसरे रोजगार है, एक फ्लैट बुक करा रखा है और अगले साल उसकी तरक्की होने वाली, रिश्ता आ गया अब। प्लीज आई एम सीरियस, बैठ जाओ बैठ जाओ, मैंने कहा ना बैठ जाओ। कमाल है, आई एम सीरियस, अभी अभी भाई को झेल के आ रही हूँ और अब आप शुरू हो गए। देखो बेटा, मैं तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूंगा। बात सिर्फ इतनी है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अली के मामले में मैं भी एक्साइटेड था और तुम्हारी चॉइस मुझे अच्छी लगी, लेकिन बेटा अब जो मसाइल पैदा हो गए हैं, इन हालात को अगर हम घसीटते रहेंगे तो मसाइल और पैदा हो जाएंगे। तुम लड़की हो, इस कंडीशन में अगर तुम अमेरिका गई तो बहुत डिस्टर्ब रहोगी। बेटा मुझे बहुत डर लगता है। इसलिए आपने मेरे लिए रिश्ता ढूंढ लिया? देखो बेटा, कोई है जो तुम्हें बहुत पसंद करता है, मैं उसी के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं आजकल कराची में था, इत्तेफाक से मुझे पता चला कि उनका इंतकाल हो गया है। आप? मेरा नाम है आज़म, आज़म चिश्ती। चलो, कोई तो है जिसके जाने के बाद तुम खुद को अकेला फील करोगे। हो जिंदगी जीना भी अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा, ये भी वक्त आना था। पता नहीं ये गुमनाम खत कहाँ से आ जाते हैं ऑफिस में। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें ये कौन लिखता है? क्या बतूल की जिंदगी में कोई नया किरदार आने वाला है? ये जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल कौन सितारे छू सकता है। कितने